Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start the head and neck gross anatomy. तो स्नेल से जो है हमने ग्रॉस एनाटॉमी पढ़नी है हेड एंड नेक की. अच्छा तो सबसे पहला टॉपिक है स्नेल में हेड. तो ऑब्वियसली सबको पता है कि हेड एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है बॉडी का, क्योंकि इसमें जो स्कल है हमारा उसमें ब्रेन होता है और ब्रेन इज़ द मेन कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी. उसके साथ स्पेशल सेंसेस जो है स्कल में मौजूद है, जिस तरह के हमारे पास ईयर्स है, आइज़ है, स्मेल परसेप्शन, वो सब चीज़ें जो है मौजूद है स्कल में. उसके साथ ब्रेन से जो है 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं, तो ऑब्वियसली उनके फिर अपने फंक्शंस हैं. तो इस हवाले से हेड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बॉडी का. उसके बाद जो है बोन्स ऑफ द स्कल का टॉपिक है कि स्कल के कौन कौन से बोन्स हैं. तो स्कल के बोन्स को हमने डिवाइड किया है इंटू टू. एक हमारे पास क्रेनियम है जिसे न्यूरो क्रेनियम कहते हैं, और एक हमारे पास फेस है जिसे विज़रो क्रेनियम कहते हैं. क्रेनियम के फिर हमारे पास दो पार्ट्स है, एक हमारे पास वॉल्ट और कैल्वेरिया होता है जो अपर स्कल केप होता है, और नीचे वाला जो बेस होता है जो जब हम उसी वॉल्ट को निकालते हैं तो जो ब्रेन के नीचे वाला पोर्शन जो सुपीरियरली हमको दिखते हैं उसको बेस कहते हैं. अच्छा उसके बाद जो क्रेनियल बोन्स है उसके नंबर्स आपको पता होना चाहिए कि क्रेनियल बोन्स की तादाद हमारे पास 8 है और फेशियल बोन्स की तादाद हमारे पास 14 है. उसके अलावा हमारे पास एक हायड बोन होता है और 6 हमारे पास ईयर ऑसिकल्स होते हैं मिडिल ईयर में. तो टोटल हमारे पास स्कल में जो है 29 बोन्स होते हैं, ये आपने याद रखने. अच्छा उसके बाद जो है क्रेनियल बोन्स जो 8 इन नंबर है उसमें पेयर्ड हमारे पास 2 है और 4 जो हमारे पास है वो अनपेयर्ड है. तो जो अनपेयर्ड बोन्स है हमारे पास फ्रंटल बोन है और एक ऑक्सीपिटल बोन है और उसके साथ स्फीनॉइड एंड इथमॉइड, ये हमारे पास अनपेयर्ड बोन्स हैं क्रेनियम के. और जो पेयर्ड बोन्स हैं वो हमारे पास पेराइटल एंड टेम्पोरल है. अच्छा तो टोटल हमारे पास ये हो गए 8. अच्छा उसके बाद जो फेशियल बोन्स हैं उनमें से 2 अनपेयर्ड है, वोमर एंड मैंडिबल, और 6 हमारे पास पेयर्ड है, तो टोटल हमारे पास 14 हो गए. अच्छा इसको याद रखने के लिए निमोनिक्स है. जो अनपेयर्ड बोन्स हैं स्कल के उसके लिए निमोनिक है फोस, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फीनॉइड एंड इथमॉइड, तो ये हमारे पास है अनपेयर्ड बोन्स ऑफ द क्रेनियम. और जो पेयर्ड है वो हमारे पास पेराइटल एंड टेम्पोरल. अच्छा उसके साथ फेशियल बोन्स में जो पेयर्ड बोन्स हैं तो 6 इन नंबर है, तो उसकी याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक के PMLN इज ज़बरदस्त. तो पी मतलब पेलेटाइन, मैक्सिला, लेक्रिमल, नेजल, इन्फीरियर कॉनका एंड जाइगोमेटिक, तो इसको आप इस तरह याद रख सकते हो. अच्छा इसको आप देख ले कि हमारे पास क्रेनियल बोन्स में 2 पेयर्ड है और फेशियल बोन्स में 2 हमारे पास अनपेयर्ड है, तो इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हो. PTVM पेराइटल टेम्पोरल पेयर्ड है इन क्रेनियल बोन्स एंड वोमर एंड मैंडिबल अनपेयर्ड है इन फेशियल बोन्स. अच्छा उसके साथ हमारे पास जॉइंट्स की बात की है कि जो जॉइंट होता है बिटवीन द स्कल बोन उसको हम स्पेशल नेम कहते हैं सुचर. इसको हम सुचर कहते हैं और ये सिर्फ स्कल में प्रेजेंट होते हैं. और उसके साथ जो है जो बोन्स है स्कल के उनके दरमियान में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है जिसको हम सुचरल लिगामेंट कहते हैं. उसके बाद हमारे पास डिप्लॉय की बात की है कि जो स्कल का बोन है उसमें आउटर साइड पे और इनर साइड पे कॉम्पैक्ट बोन है और बीच में जो है स्पॉन्जी बोन है, और आउटर साइड पे भी प्रीऑस्टियम प्रेजेंट है और इनर साइड पे भी प्रीऑस्टियम प्रेजेंट है, तो इस स्ट्रक्चर को हम डिप्लॉय कहते हैं. अच्छा तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था अबाउट द स्कल बोन्स. इसकी डिटेल हमने पढ़नी है, हर एक डायरेक्शन से स्कल को पढ़ना है, और ये जो बोन्स हमने पढ़े ये भी अभी मैं एटलस से दिखा देता हूँ. तो इट वॉज जस्ट जनरल ओवरव्यू अबाउट द स्कल बोन्स. उसके बाद जो है हम डिटेल से पढ़ेंगे बाकी की वीडियोज़ में इंशाल्लाह. अच्छा अभी इसको देख ले आप, ये हमारे पास वही फेशियल स्केलेटन है और फेस है जिसे हम विज़रो क्रेनियम कहते हैं, ये जो हमारे पास है, और ये हमारे पास क्रेनियम है जिसे न्यूरो क्रेनियम कहते हैं. अच्छा क्रेनियम के बोन्स की तरफ आती है तो ये हमारे पास फ्रंटल बोन है, ये ऑक्सीपिटल बोन है, ये टेम्पोरल बोन है, और इसके साथ ये पेराइटल बोन है. ये टेम्पोरल बोन है तो ये भी पेयर्ड है और ये पेराइटल भी पेयर्ड है, मतलब इसके उस साइड पे भी एक एक बोन होगा. और उसके साथ स्फीनॉइड एंड इथमॉइड है, तो इस डायग्राम में नहीं दिख रहे, वो इस वाले में दिखाई दे रहे हैं हमारे पास. ये हमारे पास स्फीनॉइड है और ये हमारे पास इथमॉइड है. जब हम सेजिटल सेक्शन लेते हैं स्कल का तो ये दोनों हमें दिखते हैं, बाहर से नहीं दिखते. फेशियल बोन्स में जो इस इंटीरियर व्यू में हमको दिखाई दे रहे हैं उसको देखते हैं, तो ये हमारे पास जाइगोमेटिक है, ये हमारे पास मैक्सिला है, इस तरफ एक मैक्सिला, एक इस तरफ मैक्सिला, और बीच में इन्होंने एक सुचर बनाए हुए इंटर मैक्सिलरी सुचर. अच्छा उसके बाद ये हमारे पास नेजल बोन है, ये जो दिख रहा है ये लेक्रिमल बोन है. तो जाइगोमेटिक, मैक्सिला, नेजल, लेक्रिमल, यहाँ पर ये जो बोन है ये हमारे पास वोमर है,
और ये नेजल सेप्टम है जो कि नेजल कैविटी को डिवाइड कर रहा है इन टू टू। वो जो दिख रहा है आपको ये हमारे पास इन्फीरियर कॉर्न का है, इसके ऊपर जो हमारे पास सुपीरियर कॉर्न का होगा फिर मिडल कॉर्न का होगा जो कि पार्ट ऑफ द इथमॉइड है, पर ये जो इन्फीरियर कॉर्न का है ये एक अलग बोन है। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास है मैंडिबल जो कि ओनली मूवेबल बोन है ऑफ द स्कल, और उसके साथ इसने कोई सुचुरल जॉइंट नहीं बनाया हुआ है विद द स्कल, तो ये बात आपने याद रखनी है। बाकी जो बोन्स है पैलेटाइन और बाकी जो बोन्स है वो इसमें खास नहीं दिख रहे, तो हम उसके बाद के जो वीडियोज़ होंगे उसमें जब डिफरेंट डायरेक्शन से हम स्कल को पढ़ेंगे तो हमें दिखाई देंगे। अभी स्कल को ओवरव्यू करते हैं। पहले तो आपको मैं जॉइंट्स का बता दूं कि जो जॉइंट प्रेजेंट है बिटवीन द स्कल बोन्स इसको हम सुचर कहते हैं। जो थ्री मेन सुचर्स हैं ये हमारे पास है सेजिटल सुचर बिटवीन द टू पेराइटल बोन्स, ये हमारे पास है कोरोनल सुचर बिटवीन द फ्रंटल बोन एंड द पेराइटल बोन्स, एंड दिस पोस्टीरियरली वी हैव दिस सुचर बिटवीन द ऑक्सीपिटल बोन एंड दिस पेराइटल बोन्स। तो बोन्स का मैं पहले भी बता भी चुका हूँ पर अभी दोबारा बताता हूँ कि जो ये हमारे पास है विज़ेरोक्रेनियम या जो फेशियल स्केलेटन कहते हैं, इसमें सिर्फ जो है हमारे पास मिसिंग है मैंडिबल, हमारे पास मिसिंग है इस मॉडल में। और यहाँ पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं न्यूरोक्रेनियम, मतलब जो हमारे पास क्रेनियम वाला पोर्शन है ये वो है। अच्छा, इसके बोन्स की तरफ आते हैं तो जो हमारे पास स्कल के बोन्स है ये हमारे पास फ्रंट पे देख ले, ये फ्रंटल बोन है जो कि अनपेयर्ड है, इसी तरह ये ऑक्सीपिटल बोन है जो कि अनपेयर्ड है, और पेयर्ड में ये हमारे पास टेम्पोरल है और ये पेराइटल बोन्स है जो कि दो दो है। अच्छा, उसके साथ ये हमारे पास इथमॉइड है और ये हमारे पास स्फेनॉइड है जो कि स्कल का बोन है और अनपेयर्ड बोन्स है। अच्छा, उसके बाद फेशियल बोन्स जो इस मॉडल में हमें दिखते हैं। अच्छा, तो फेशियल बोन्स में देख ले हमारे पास ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है हमारे पास लैक्रिमल बोन है, ये हमारे पास नेजल बोन है, ये हमारे पास मैक्सिला है, और ये हमारे पास है जाइगोमेटिक, तो ये बोन्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस मॉडल में अभी वही है, इसमें सिर्फ मैंडिबल मिसिंग है तो मैं आपको अभी शो नहीं कर सकता। तो इट वॉज द जनरल ओवरव्यू अबाउट द स्कल। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इंशाल्लाह एंटीरियर व्यू ऑफ द स्कल पढ़ेंगे।